हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज अगर हम बात करें, मार्केट आज की डेट में काफी नीचे आ गई थी, और अगर बात करें काफी दिनों से काफी कन तो का, आ, अगर हम देखें कंज्यूम अगर यहाँ पर 3 अगस्त से यहाँ पर आज की डेट में देखे तो मार्केट काफी नीचे आती हुई दिखाई दी थी, जिसकी वजह से शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आए थे। और काफी कमेंट आ रहे थे मेरे पास, जिसकी वजह से लोग पूछ रहे थे कि ये स्टॉक नीचे जा रहा, क्या करे क्या करे क्या करे। तो मैंने सोचा कि हमारे व्यूअर को एक व्यू देना चाहिए, तो ड्यूरिंग द मार्केट लेट से ही, बट मैंने यहाँ पर एक अपना व्यू दे दिया था 11 बजे के आसपास कि स्टॉक मार्केट को बस ऊपर जाना है, बस बीच बीच में हर्डल इस तरह के आते रहेंगे। इससे बचने और इससे बचने का सॉल्यूशन क्या है, इसका बचने का सॉल्यूशन है होल्ड करना, बट मेक श्योर यू ऑल हैव गुड फंडामेंटल स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। बाकी नेक्स्ट 6 मंथ में सब ठीक हो जाएगा। ओके, मैंने 6 मंथ का टाइम दिया था। आज 6 मंथ का टाइम मैंने क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पर अभी हम काफी नीचे हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो 6 मंथ से पहले ही रिकवर हो जाएगा। 6 मंथ बाद कहने के लिए होता है, बट अगर हम बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीज की, तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, मार्केट हैज टू डायरेक्शन, वन इज डाउनवर्ड एंड अनदर वन इज अपवर्ड। और अगर बात करें एंजॉय द वे इफ यू वांट टू सर्वाइव, अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं ना, तो मार्केट में आपको ये जो नीचे जाता रहता है ना मार्केट, इसे भी आपको देखना होगा, इसमें भी आपको खुश रहना होगा, और जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है ना, तो भी आपको खुश रहना होगा। यही एक बस तरीका है, तो यही सर्वाइव अगर आप कर गए, देन यू विल बी द विनर। अगर बात करें एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, वन मोर इम्पोर्टेंट, विल मार्केट विल फॉल मोर, इट विल गो अप लेटर। मतलब अगर बात करें मार्केट जितना गिरेगी, अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट, देखिए जितना गिरेगी उससे ज्यादा भागेगी, यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रही है ना। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें पैंडमिक की, पैंडमिक में इतनी गिरी थी, और काम अगर बात करें ये मार्केट 18,000 के लगभग, मिड कैप की बात कर रहा हूँ, चल रही थी, और ये 10,000 पे आ गई थी, और 10,000 से आज की डेट में यहाँ पर कहाँ ट्रेड कर रही है, 28,000 पे ट्रेड कर रही है, मतलब 27,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट जितनी गिरती है उतनी ऊपर आती है। तो अगर हम देखें, काफी लोगों ने यहाँ पर अगर फायदा उठाया होगा तो अच्छी बात है, आज की डेट में लोगों ने काफी शेयर अच्छे अच्छे अपने पोर्टफोलियो में रखे होंगे, वो अच्छी बात है। और मार्केट जब गिरती है तो अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में हमेशा रखना चाहिए, और जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि मोस्टली लोग कंप्लीटली इन्वेस्टेड रहते हैं, अगर बात करें नहीं रहते, होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ये यहाँ पर गिरी है, फिर ऊपर जाएगी और बहुत अच्छा खासा आपको पैसा देती हुई नजर आएगी। और मार्केट इंडिया की बुलिश है, पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स मार्केट में आ रहे हैं, और जो स्टॉक्स परफॉर्मर रहे हैं वही आगे परफॉर्म करेंगे, इस बात को याद रखिए। बाकी बात करें सपोर्ट की, तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा था, तो इसी सपोर्ट से मिड कैप यहाँ से पीछे भागता हुआ नजर आया। यहाँ पर अगर देखें तो इसी से यहाँ पर ये जो सपोर्ट था इसने यहाँ पर लेके ये गया। इसके अलावा हम और भी बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए मिड की स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, तो यहाँ पर देखिए इसने भी सपोर्ट लिया, इसने भी कहाँ सपोर्ट लिया, इसने भी यहीं सपोर्ट लिया, जो कि इसके यहाँ पर प्रीवियस यहाँ पर जब गिर रही थी और यहाँ से ऊपर भागी थी, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर भागती हुई नजर आएगी, और अच्छे खासी रिकवरी करी है। थोड़ी बहुत नहीं, यहाँ पर 9796 पे आ गया था, लगभग 300 पॉइंट यहाँ पर वापिस देता हुआ नजर आया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बिलीव करना होगा। अब देखिए, जिसने स्टॉक्स खरीद लिए अच्छी बात है, नहीं खरीदे वो कोई बात नहीं, होल्ड करिए, फायदा तो होता रहेगा। तो हम आज क्या बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स का नाम क्या है, स्टॉक्स करता क्या है, क्योंकि कल की डेट में मैं उसे बाई करने वाला हूं, और वो स्टॉक्स मुझे काफी फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, और काफी अगर बात करें उसके रिजल्ट काफी बेहतरीन आए हैं, और ऐसे ही स्टॉक्स को हम चुनते भी है। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे, एज वेल एज कल की डेट में यहाँ पर काफी सारी वीडियोज आई थी, आप देखते रहिए, सीखते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बाकी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट वहां ओपन कराइए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ पर सीखने के लिए प्लेलिस्ट बना रखिए, प्लेलिस्ट। तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर। नाइट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात कर रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर करती क्या है, जैसे कि अब यहाँ पर आ गया फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल स्टॉक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पर उसी चीज से रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल इन इंडिया, मतलब केमिकल की नंबर वन यहाँ पर कंपनी नजर आती है, एंड इट मैन्युफैक्चर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट, माइनिंग केमिकल्स, ओके, एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड क्रॉप न्यूट्रिशन। तो ये क्रॉप न्यूट्रिशन, इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल केमिकल्स और अमोनिया नाइट्रेट ये सब चीज में काम करती हुई नजर आती है। द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी हैव यूजेस इन एक्सप्लोजिव, मतलब आपको पता ही है जो बम बनाने में होता है उसमें ये यूज कर किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, एंड माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर में भी ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और 1979 में यहाँ पर ये कंपनी सेटअप करते हुई नजर आई थी। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर नाइट्रिक एसिड इन साउथ ईस्ट एशिया, मतलब पूरे अगर ये साउथ ईस्ट एशिया की बात करें सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, एंड लार्जेस्ट इन इंडिया, और इंडिया में नंबर वन है। लीडिंग मैन्युफैक्चरर मार्केट ऑफ आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, मतलब IPA के लिए 65% का रेवेन्यू भी है, वो सबसे ज्यादा बड़ा लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इसके। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दे रखी है, यहाँ पर आप पढ़िए, यहाँ पर आपको पता चलेगा इस कंपनी के बारे में। अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो 34% का जो इनका रेवेन्यू है 2020 में आता हुआ दिखाई दिया है, और 2019 में 46% यहाँ पर था। अगर बात करें इंडस्ट्रियल केमिकल्स के, तो जो कि यहाँ पर इनके ये दे रखा है जो जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो जो ये केमिकल्स बनाते हैं। इसके अलावा बात करें 2020 में 25% रेवेन्यू थी, और 2019 में 19% रेवेन्यू थी किसकी, यहाँ पर टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की। ओके, तो वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है। इसके अलावा और भी कुछ चीज देखनी है तो मार्केट शेयर की बात करें तो नाइट्रिक एसिड में 71% का मार्केट शेयर है, और इसके अलावा 30% इनका मार्केट शेयर किसमें, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में है। तो यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी यहाँ पर कंपनी नजर आ रही है। इसके अलावा और भी देखिए इनके जो कस्टमर क्लाइंट्स हैं, तो माइनिंग केमिकल्स में ACC, अंबुजा सीमेंट एटसेट्रा, एज वेल एज इंडस्ट्रियल केमिकल में आरती इंडस्ट्री, सिप्ला, अतुल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये सारी की सारी इनके क्लाइंट्स है। पास्ट फ्यू ईयर्स में यहाँ पर क्या क्या किया है वो दे रखा है, बैकग्राउंड इंटीग्रेशन यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड ये सब चीज आप यहाँ पर पढ़ के देख सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगी। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर एक बार विजिट कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स, टैन, क्रॉप न्यूट्रिशन, वैल्यू एडेड, रियल एस्टेट, ये कंपनी इन चीजों में यहाँ काम करती हुई नजर आती है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सबसे पहले हम फाइनेंशियल देखें तो देखिए मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है, 4797 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। पीई रेशियो की बात करें 11 का पीई है, आरओसी की बात करें 14% का आरओसी है, डेट की बात करें 97% का, मतलब डेट यहां पर ज्यादा है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। प्लेजिंग की बात करें 31% के यहां पर शेयर भी प्लेज हुए पड़े हैं, बट अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, तो हम यहां पर देखेंगे इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी कंपनी ने जो यहाँ पर 2019 के बाद जो परफॉर्मेंस शुरू करी है वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शुरू करी है, और यहाँ पर जो अभी के जो रिजल्ट है वो हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सेल्स में और नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर है, तो ये तो हो गई स्टैंड अलोन। इसके सॉरी कंसोलिडेट स्टैंड अलोन की बात करूं तो स्टैंड अलोन भी यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी इस साल को छोड़ दे तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर कंपनी ने दोबारा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है, और हाईएस्ट एवर यहाँ पर एक बार जून 2020 को छोड़ दे तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर इनका नेट प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो स्टैंड अलोन यहाँ पर है, सेल्स देखिए वो भी थोड़े से यहाँ पर बीच में गिरावट होती हुई नजर आई थी, बट कंपनी दोबारा से यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, और सबसे मेन बात यह है कि कंपनी यहाँ पर एटलीस्ट अच्छा खासा हमेशा पॉजिटिव ही इनके ये सब चीज अगर बात करें प्रॉफिट यहाँ पर नजर आता है। इसके अलावा कंसोलिडेट की बात करें तो यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर देखिए इस कंपनी के, कंसोलिडेट का मतलब है सारी की सारी जो इनकी सब्सिडरीज है, जिस सारे के सारे जो बिजनेस है, अगर बात करें सेल्स तो यहाँ पर एक आपको ग्रोथ नजर आएगी कंसिस्टेंसी के साथ, और हाईएस्ट एवर सेल्स हुई है 6329 करोड़ की, पिछले 12 महीने में सेल्स होती है नजर आई है, और प्रॉफिट देखे तो 408 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर ये प्रॉफिट है, तो इस चीज को आपको देखना है। रिजर्व्स की बात करें कंपनी के पास 2572 करोड़ के रिजर्व्स है, और बात करें बोरिंग की तो कंपनी के पास 2593 करोड़ की बोरिंग है, तो यहाँ पर कंपनी के पास अच्छी खासी मतलब रिजर्व से ज्यादा बोरिंग है, बट अगर तो इसलिए 93% जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था वो इतनी बोरिंग यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि हमें कम होती हुई नजर आ रही है मार्च 2018 से, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा हम देखते हैं फिक्स एसेट, तो कंपनी अपनी बात करें कैपेसिटी को हमेशा बढ़ाती हुई नजर आई है, अभी भी देखिए 1619 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हुए हैं, और हमेशा पैसे इनके वर्किंग प्रोग्रेस में लगे होते हैं, तो अगर बात करें यहाँ पर जब भी ये पैसे यहाँ से निकल के यहाँ पर फिक्स एसेट में बढ़ते हुए नजर आएंगे तब तब यहाँ पर इस कंपनी का ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें 449 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कैश की बात करें 246 का यहाँ पर कैश है, और यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर कैश फ्लो हमें रहा है लगभग 1200
648 करोड़ का कैश अभी भी है। इसके अलावा आरओसी अभी बढ़ती हुई नजर आई है 15% की, और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.89% की, जिसमें से 33% के शेयर यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं, जो कि ऊपर हमने देखा था। एफआईएस की बात करें, एफआईएस के पास लगभग 3% की, डीआईएस के पास बात करें 0.33% की, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 40% की होल्डिंग नजर आ रही है, बट 40 में से भी 1% की होल्डिंग यहाँ घटा देते हैं तो लगभग वही 40% के आसपास ही आप समझ सकते हैं यहाँ पर होल्डिंग पब्लिक की नजर आ रही है। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। तो दीपक फर्टिलाइजर, तो दीपक फर्टिलाइजर देखिए यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न नजर आ ही रहा है, कंपनी किस तरीके से यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न देती हुई नजर आई है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो देखिए कंपनी के रिजल्ट आए थे यहाँ पर, और रिजल्ट आने के बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पर शेयर ये गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं इस कंपनी का यहाँ पर कितना करेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर सॉरी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हो तो कंपनी लगभग लगभग 16 से 17% यहाँ पर करेक्ट हो चुकी है, और ये कंपनी यहाँ पर से अगर हम बात करें 14 जून से लेके अभी तक एक 2 महीने कह सकते हैं एक दायरे में यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा 50 डीएमए, जब भी यहाँ कंपनी 50 डीएमए पे आती है ना, तो यहाँ पर एक कंपनी भागती हुई नजर आती है। स्विंग ट्रेड के पर्पज से बता रहा हूँ यहाँ पर, इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर शेयर नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए एक यहाँ पर कव्वे हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर इसे एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक कप बना, और कप बनने के बाद यहाँ पर एक हैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है, और जब इस तरीके के ये चार्ट पैटर्न बनाता है तो ये शेयर भागते हुए नजर आते हैं। और जब जब यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर नंबर्स आने शुरू हो गए हैं, जब यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर अच्छे खासे आने शुरू हो गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये शेयर फिर भागते हुए नजर आएंगे और आपको एक अच्छा खासा गेन देते हुए फ्यूचर में नजर आएंगे। तो अगर हम बात करें इसके टारगेट की, तो देखिए जो ये 16% का जो गेन है, ये तो आपको आने वाले 3 महीने में जब इसके रिजल्ट आएंगे तब आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा अगली बार के, अगर इसके नंबर अच्छे आ गए ओके मुताबिक, जैसे इस तरीके इस बार के नंबर आए, तो यहाँ पर अगर बात करें फिर ये 32% के रिटर्न भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और 3 महीने में अगर 16% और 20% के रिटर्न मिल जाते हैं तो साल का 80% होता है। हम 80% की बात नहीं करते, हम बात करते हैं केवल 40% की, कि आपके 40% भी अच्छे खासे आप मिल गए आपको रिटर्न, तो 10 लाख रुपए आपके 800 करोड़ रुपए होते हैं 20 साल के अंदर अंदर। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिए। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं यहाँ पर 50 डीएमए से। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर ये करेक्ट होता है 400 के आसपास यहाँ पर आता है और आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर इस शेयर को खरीद के थोड़ी बहुत क्वांटिटी यहाँ पर स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। बाकी अपनी खुद की स्टडी डेफिनेटली करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिएगा, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी हो और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कमेंट करिए। डेफिनेटली थोड़ा सा लेट हो सकता है बट जवाब जरूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।